आपका टॉपिक चल रहा था व्यवसाय अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का चयन, यह आपका पार्ट टू का। मैंने आपको बताया था कि जब पाठ्य पुस्तक का चयन करा जाता है तो हम विभिन्न प्रकार की, जैसे उसका लेखक एक अच्छा विद्वान या विशेषज्ञ क्या होना चाहिए, इसी के साथ विषय सूची ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, उसके महत्व और भूमिका को समझ सके। प्रस्तुतिकरण में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, दो चार पॉइंट्स लिखवाए थे कि बेसिकली जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं कोई चीज़ तो किस प्रकार से उस चीज़ को प्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट फोर्थ नंबर की, संगठन। जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन इसका करते हैं, संगठित करते हैं, तो बेसिकली लचीली होनी चाहिए जिसे समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सके। इसी के साथ ये माना जाता है कि इसका जो नियोजन है वो क्रमबद्ध रूप से काफ़ी रूप से किया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम बुक को बता रहे हैं, कोई बुक का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका जो संगठन होना चाहिए वो तार्किक रूप से होना चाहिए और लचीलापन उसके अंदर होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट मूल्य, बुक का टेक्स्ट बुक का मूल्य ऐसा हो जो बाजार में इजी हो, इसमें बच्चे उपलब्ध हो, मतलब बाजार में भी उपलब्ध हो सर और बच्चे भी उस चीज़ को क्या खरीद सके, बच्चों को भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उस मूल्य को खरीदने, तो मूल्य बच्चों की स्तर के अनुसार होना चाहिए। के बच्चों को इजी वर्क कुछ चीज़ को समझा सकते हैं। अब बात आती है क्या दिखा सकते हैं, तो चित्र होते हैं, ग्राफ होते हैं, मानचित्र होते हैं, ये सभी चीज़ें बुक के अंदर भी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि सहायक सामग्री में पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाया जाता है, किसके माध्यम से, चित्र और रेखा चित्रों के माध्यम से। व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक में भी क्या होना चाहिए, बेसिकली चित्र ग्राफ होने चाहिए और एक तरह से विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्टैट्स, जैसे स्टैट्स की बात करें हम, तो विभिन्न प्रकार के डिस्प्लेज होने चाहिए, टेबल होनी चाहिए, टेबलेशंस होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ के साथ अगर हम बात करें तो आंकड़े डेटास होने चाहिए सही से, जो बच्चों को इजी हो वो चीज़ समझ में। मतलब ये है कि बुक का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो बुक के अंदर जो सहायक सामग्री है वो बच्चों को आकर्षक बनाती है, बुक तो बुक आकर्षक बनाने के लिए इसके अंदर इन सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है बात पाठ्य पुस्तकों की, कैसी होनी चाहिए, आकार, कागज, टाइप, मुद्रण, पृष्ठ संख्या, आदि को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का चयन करना चाहिए। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट समय, निम्नलिखित उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। नंबर वन आता है शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों से सामंजस्य स्थापित कराना। Good job.
उनमें सामाजिक गुणों का विकास कराना। छात्रों को राष्ट्रीय एवं विदेशी अर्थव्यवस्था का ज्ञान कराना। छात्रों को बैंकों डाकियों शेयर बाजारों ज्ञान करा। देखो बेसिकली उद्देश्य है ये बिजनेस स्टडी की बुक है, तो बिजनेस स्टडी का बेसिकली उद्देश्य होता है कि बच्चों को सभी उद्देश्यों से संबंध स्थापित करना और विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस को गेन करना और विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास करना और जो भी प्रजातांत्रिक मूल्य है राष्ट्रीय विदेशी अर्थव्यवस्था का जो नॉलेज है वो गेन कराना और डाकघर शेयर बाजार बैंक वगैरह जो भी प्रैक्टिकल लुकआउट अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ों का नॉलेज करवाना ही क्या है बेसिकली इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, ये आपके क्या है वेबसाइट देखिए पाठ्यपुस्तक के चयन के पॉइंट्स थे। ठीक है, घर पे रहिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू। अच्छा।